दाल मुरादाबादी। और आज देख लो भाई, फ्रिज की सफाई हो रही है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ये टीम मंगवाया है मैंने। हेलो जी दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का एक और नए व्लॉग में। भाइयों बहनों, कैसे हो तुम सब लोग? आई होप तुम लोग के घर की दिवाली की सफाई बढ़िया चल रही होगी। मेरे यहाँ पे भी बहुत बढ़िया चल रहा है। पूछा मैंने कुछ? पूरा अच्छे से साफ कर दिया मैंने मेरे फ्लैट को, और अब कल परसों में जाके मेरे घर पे साफ करूंगा पूरा। मेरा रूम, मेरा घर अच्छे से सफाई में हेल्प करवाऊंगा भाई, क्योंकि हमारे घर पे हाउस हेल्प है नहीं आजकल। इन दिनों पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी है हम लोग ही है, हम ही को साफ करना है। और दो दो कुत्ते रहते हैं घर पे, तो उनका बहुत सारा फर होता है। तो ठीक है भाई, ये तो बता दिया मैंने दिवाली की सफाई का अपडेट। उसके अलावा दिवाली की वजह से, जो पटाखों की वजह से जो आग लग रही है इधर उधर, मैं रहता हूं ठीक है। तो अब मैं आपको अपडेट दे देता हूं भाई, जो पूरे शहर में इधर उधर आग लग रही है, अलग अलग जगह पे है ना, फायर ट्रक्स दिख रहे हैं मुझे भगाते हुए यहां वहां। अभी अभी मेरे घर के पास में से गया एक फायर ट्रक, और भाई इतना स्पीड में जा रहा था, और मैं जहां पे रहता हूं उसके बिल्कुल पास में ही है फायर स्टेशन। मैंने ऐसे देखा यार, एक दिन फायर ट्रक्स वगैरह खड़ी थे, पूरे खड़े थे, मजा आया देख के। भाई प्लीज ध्यान से चलाना पटाखे, प्लीज बिल्कुल मत चलाना पटाखे यार, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यार। मतलब हम लोग तो समझदार है यार, पटाखे चलाएंगे तो भाई बहुत पोल्यूशन फैलेगा, हमारी लाइफ रिस्क में आ जाएगी। प्लीज पटाखे मत फैलाओ, प्लीज पटाखे मत चलाओ, कचरा मत फैलाओ, अपने शहर को साफ रखो प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो भाई कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। अभी बज रहे हैं रात के 9 बजे, मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि सुबह से शाम में पूरा काम कर रहा था भाई। आज सुबह मैं उठ गया था 9 बजे, फिर मैं थोड़ा सा सो गया था, फिर वापस उठ गया। पिछले 2-4 दिन से व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था भाई, क्योंकि बहुत तगड़ा एडिट कर रहा था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, अभी चलो गाड़ी चलाता हूँ। बाय 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 बाय, वेरी गुड। सच्ची सच्ची बात बता दूं तो जिम में पिछले 1-2 दिन से नहीं जा पा रहा था भाई, और मैं ना थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, तोंद आ गई है मेरी थोड़ी सी। वेरी गुड। तो इस वजह से है ना थोड़ा सा यार आजकल यार जैम खाना शुरू कर दिया है, बहुत ही ज्यादा जैम खा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा चॉकलेट पीनट बटर खा रहा हूँ जिसमें होती है फुल चीनी। नॉर्मल पीनट बटर नहीं खा रहा भाई, चॉकलेट पीनट बटर खा रहा हूँ, पता नहीं क्यों करता हूँ मैं अपने साथ ऐसा। पर हाँ भाई, तोंद आ गई है मेरे, एक जमाने में बिल्कुल भी तोंद नहीं थी, बिल्कुल एकदम फ्लैट था, एकदम फिट था भाई। चलो कोई ना, फिर से फिट होने की बारी आ गई। अब मैं वीगन हूं ना यार, तो इस वजह से कभी कभी क्रेविंग्स हो जाती है, तो खा लेता हूँ। बट उसमें मुझे ध्यान रखना है कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने, अच्छी अच्छी हेल्दी वेजिटेबल्स खानी है, और भाई ग्रो करना है लाइफ में, ग्रो। ऐसे ही चलते फिरते जिंदगी नहीं बितानी यार, ऐसे ऐसे बितानी जैसे ग्रो कर रहे हैं। जिम के यहाँ पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई, साफ सफाई हो गई लग रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी जिम से हो गया हूँ फ्री, और आज मैं अकेला ही आया था। एक्चुअली ना आयुषी को हो रहा है थोड़ा जुखाम, और जुखाम में कभी भी आपको जिम नहीं करना चाहिए, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो ठीक है भाई, मैं अकेला आ गया, मुझे भी लग रहा है यार कि भाई मैं कहीं, मुझे कुछ तबीयत सब सही रहे मेरी, आई होप। तो चलो भाई, वर्कआउट से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने इस तरीके का एक बनाना खाया था। हाँ भाई, इस तरीके का बनाना बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है, और मैंने एक तो खा लिया था, और अब एक वर्कआउट के बाद खा लूंगा, और भाई पूरी डाइट लूंगा आपसे, पूरी डाइट जिसे कहते हैं ना फुल वाली डाइट, फुल वाली, कहीं ये ना हो जाएगी पूरी डाइट ले रहा हूँ, छोले पूरी डाइट समोसा कचौरी डाइट ले रहा हूँ कल को पता पड़े। बट नहीं, ये नहीं करना मुझे, बड़ा ही ध्यान से मुझे एक्सरसाइज करनी है, बड़ा ही ध्यान से कैलोरीज खानी है, क्योंकि मुझे अब होना है फिट एंड फाइन। लोग देख लो भाई, लोग देख लो, सोसाइटी में नया नया पेंट हुआ है, नया नया पेंट हो गया, नई नई लाइट लग गई, और ये देखो यहाँ पे भी एक लाइट लग गई, और ये देखो भाई सोसाइटी में फुल काम धाम चल रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ये देखो कितने बढ़िया लाइट्स लगाई है यार इन लोगों ने, सोचो भाई, काफी मॉड्यूलर लग रही है सोसाइटी अब, देख के अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है मुझे। मैं बस चाहता हूँ यार जल्दी से जल्दी बास्केटबॉल कोर्ट बन जाए, ओए ये क्या हुआ, जल्दी से जल्दी स्विमिंग पूल बन जाए, बास्केटबॉल कोर्ट बन जाए, बहुत कुछ बन जाए, मैं चाहता हूँ। 2000 years later। तो भाई अभी हम खा रहे हैं दाल मुजफ्फरपुरी दाल मुरादाबादी, और ये देखो कितनी यम्मी दिख रही है यार, बहुत ही यम्मी दिख रही है यार ये। तो ये सिर्फ बॉइल्ड दाल है, इसके ऊपर से नमक मिर्ची मसाले और ये सब चीज़ें हैं, और है ना भाई
ऊपर से मठरी है, और मैं तो जानता भी नहीं हूँ क्या क्या है, चटनी है, मुझे तो पता भी नहीं है, इसलिए मैं तो बस खाने पे ध्यान दूंगा। और ये देखो इसके साथ में मठरी है, ये मठरी हम इसमें डाल के खाएंगे यार, यम्मी दिख रही है। तो दोस्तों ये देखो, अभी अभी मैंने खजूर को आधा आधा काट के बहुत सारे खजूर लेके आया था। ये देखो, ये रहा मेरा पूरा पिटारा, बहुत सारे खजूर लेके आया था। रॉयल अरेबियन डेट्स में बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा था, तो मैंने ऐसे तीन चार पैकेट खरीद लिए थे। तो मैंने ये खजूर के ऊपर पिंटोला का चॉकलेट पीनट बटर लगाया है, और है ना कोकोनट लगाया है, खोपरा चौको खजूर। तो भाई आप देख सकते हो, शुद्ध एवं सात्विक मसाले, क्या बात है। सात्विक मेरा नाम है, मसाले का पैकेट पे आना मेरा काम है। और आज देख लो भाई, फ्रिज की सफाई हो रही है, देख लो भाई गंदगी देखो जरा फ्रिज में, ये पूरा साफ होने वाला है आज। और ये देखो मसाले हमने ऐसे जमा दिए, क्या बात है, मस्त दिख रहा है फ्रिज। फ्रिज की सफाई, फ्रिज की सफाई। और भाई आज हम लोगों ने ब्लिंकिट से सामान मंगाया, सूजी मंगवाई थी, और सूजी देख लो फटी हुई आई है, पूरी की पूरी सूजी फैल गई यार। ब्लिंकिट वालों ने हमको रिफंड दिया है, थैंक यू ब्लिंकिट। और ये देखो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का क्रिएटिन मंगवाया है मैंने, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नहीं नहीं शायद माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, अब से ये लूंगा, ये मंगवाया है। और ये भी मंगवाया है टोफू, टोफू भी मंगवाया है भाई, वेरी गुड। मसाला टोफू है क्या? अच्छा वाह भाई, मसाला टोफू यम्मी। और एप्पल मंगवाए हैं 75 ग्राम्स, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 75 रुपीज़ के, कुछ 200-250 शायद, आधा किलो पता नहीं। हाँ चलो। और ये टमेटोज, फुल घर का खाना खाते हैं भाई हम लोग, पर ब्लिंकिट से सामान मंगवाते हैं। तो भाई दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई है, सबसे पहले फ्रिज की सफाई शुरू हो गई है, क्या बात है। और आज OnePlus 8T से व्लॉग बना रहा हूँ, काफी अच्छा दिख रहा है, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। वो फ्रिज की सफाई। अरे बस कर भाई। और जरा ये देखो हमारे पास में कितना बड़ा ऑलिव ऑयल है, कितने लीटर का है? 5 लीटर का ऑलिव ऑयल ये खरीदा हुआ है हमने, सिर्फ ऑलिव ऑयल खाते हैं हम लोग भाई, और बताओ, रैंडम ऑयल नहीं खाते हम, वाला सोयाबीन का ऑयल नहीं खाते भाई, सिर्फ ऑलिव ऑयल खाते हैं, एक नंबर। और इसकी MRP बताऊं कितने की है? 4,000 रुपये की MRP है भाई, 4,000 रुपये का तो हम तेल ही खरीद लाते हैं। और बोलो यार, तुम है ना, मैंने यहाँ पे खजूर बनाए, तुम उसके पास में यार है ना, पता है ये फ्रिज का सफाई का सामान लेके आ रहे हो। मुझे नहीं पता तुमने ऐसे गार्निशिंग कर दी। हाँ यही तो, मैंने गार्निश कर दिया कोकोनट इस पे। अच्छा दिख रहा है, और तुम इसके आसपास में है ना, पता है ये गंदा फ्रिज का सामान लेके आ रही हो, मैं सफाई कर रही हूँ, तुमको उसको कवर कर देना चाहिए। हाँ भाई आज बहुत दिनों के बाद में हली गली के कॉर्न पफ खाए थे मैंने आज फिर से, और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वीगन। और अब आप देख सकते हो फाइनली फ्रिज पूरा साफ हो गया है, और ये देखो ये मसाले वगैरह सारे यहाँ पे रख दिए। अच्छा ये मैंने दिखा दिया था शायद पहले, है ना। ओके फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।